नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देसी पटाका। एज ऑलवेज मैं हूं आराधना आपके साथ, और आ गया है शहनाज कौर गिल का इंटरव्यू, जिसका आप सभी को इंतजार था। शहनाजियन पर बोली है, अपने फेवरेट एक्टर पे बोली है, कार्तिक आर्यन पे बोली है, काफी कुछ बोली है। सिद्धार्थ के बारे में नहीं बोली है, धोखा नहीं दूंगी आपको, इस इंटरव्यू में नहीं बोली है, लेकिन क्या कुछ बोली है चलिए मैं आपको बताती हूँ। जब उनसे पूछा गया कि बॉलीवुड में अगर आप किसी फीमेल एक्ट्रेस के लिए प्लेबैक करना चाहेंगी तो वो कौन सी एक्ट्रेस होगी, तो शहनाज ने बोला सारा अली खान। जिसके बाद उनसे बोला गया कि आप तो कैटरीना को पसंद करती हैं, उन्होंने कहा कैटरीना को मैं पसंद करती हूँ लेकिन प्लेबैक तो मैं सारा अली खान का ही करूंगी। जिसके बाद उनसे पूछा गया सलमान के साथ काम करना चाहेंगी आप, तो कहती हैं सलमान के साथ आखिर कौन काम नहीं करना चाहेगा, उसके साथ तो कुछ भी मिल जाए, सेकंड लीड भी मिल जाए, वो भी मतलब लाइफ बन जाएगी मेरी। और वैसे स्क्रीन तो मैं शेयर कर ही चुकी हूँ उनके साथ बिग बॉस के टाइम पर, मतलब कहीं ना कहीं लड़की पॉजिटिविटी जरूर ढूंढ लाती है। खैर आगे बढ़ती हूँ। कार्तिक आर्यन जब उनसे पूछा गया आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है, तो बिना टाइम लिए शहनाज ने झट से बोला कार्तिक आर्यन। और उनसे पूछा गया, उन्होंने बोला कार्तिक आर्यन मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे ना उसमें अक्षय कुमार वाली फीलिंग आती है, ऐसा लगता है जैसे अक्षय कुमार आज जिस मुकाम पर है वो भी उसी मुकाम पर पहुंचेगा। इन शॉर्ट शहनाज ने ये बोल दिया कि सेल्फ मेड इंसान है, इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं है, फिर भी आया, अपना नाम कमाया, कहती यंग है। जब मैंने उसकी फिल्म देखी थी तो मुझे ना बड़ी पॉजिटिव सी वाइब्स आई थी उससे। खैर उसके बाद उनकी आवाज को लेके बोला कि आपकी आवाज में बहुत जिंदा दिली है, बहुत एनर्जी आती है, तो कहाँ से लाती हैं आप ये एनर्जी? शहनाज कहती है कि देखो मैंने कभी गाना सीखा नहीं है, बस जैसे गाने की फील होती है ना मैं वैसी बन जाती हूँ और गा देती हूँ, और हिंदी गाना गाते हुए इसलिए मुझे थोड़ा डर भी लगता है क्योंकि मैंने गाने को सीखा नहीं है गाना। खैर अच्छा उनसे पूछते हैं फिर अगर आप इनविजिबल हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, तो आप क्या करना चाहेंगी वो पहला काम? तो शहनाज कहती है कि जिन जिन लोगों ने मुझसे फ्री में काम कराया ना, मेरे दोस्तों ने, उन सबको जाकर ना एक थप्पड़ मारूंगी और कहूंगी देखा तुमने मेरी कदर नहीं करी। और उसके बाद शहनाज से कहते हैं शहनाज लोग आपको फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको टेंशन रहती है दिमाग में कि कुछ गलत ना हो जाए आपसे? तो शहनाज कहती है हाँ पहले नहीं रहती थी लेकिन अब मैं कहूंगी कि मुझे लगता है कि लोग मुझे फॉलो करते हैं तो इसीलिए मुझे जो भी करना चाहिए बहुत सोच समझ के करना चाहिए, कहीं मैं हर्ट ना कर दूं अपने फैंस को क्योंकि वो मुझसे बहुत बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और ये बहुत हंसी आएगी आपको। शहनाज से पूछा किसी ने कि आप स्किन के लिए क्या करती हैं, आपकी स्किन बहुत ग्लो करती है, तो शहनाज बड़ा हंसती है और कहती है कुछ मत करो यार, खूब सारा मेकअप लगाओ, थोड़ा सा हाइलाइटर लगा लो, स्किन एकदम ग्लो करेगी। और मैं तो क्या करती हूँ ना, जो मेरी लिपस्टिक होती है ना उसको उठा के ना थोड़ा थोड़ा मैं चीक्स पे और मल लेती हूँ तो और रेड हो जाते हैं। तो कह रही है चलो वैसे अगर मैं बोलूँ तो जितना हो सके उतना पानी पियो, ठीक है? अच्छा शहनाजियन पर बोलती है शहनाजियन मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं क्योंकि वो सिर्फ मेरे हैं, वो सिर्फ मुझे प्यार करते हैं, तो मेरे लिए शहनाजियन से बढ़कर कोई भी नहीं है, आई लव देम। और अगर उनसे पूछा गया आपने लाइफ में सबसे क्रेजी चीज आज तक क्या करी, आप सोच सकते हैं शहनाज ने क्या करी होगी सबसे क्रेजी चीज? बताती है कि एक कपल था, मेरे दोस्त थे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और मैंने उनको सलाह दी कि तुम दोनों भाग के शादी कर लो, और मैंने उनकी भागने भी मैं भी मदद करी और बाद में मैंने उनको पैसे भी दिए मदद के तौर पर कि ठीक है यार तुम दोनों प्यार करते हो जाओ जियो अपनी जिंदगी। तो भैया ये तो हमारी DDLJ वाली अमरीश पुरी हो गई, जा जी ले अपनी जिंदगी। खैर तो दोस्तों ये था शहनाज का इंटरव्यू जो अभी जस्ट आया है, और मेरी कोशिश रही कि मैं एकदम से एक्टिव रहूं और आप तक इस इंटरव्यू का डिटेल्स लेकर आऊं। इसके बारे में क्या कुछ आपका कहना है, कैसा लगा आपको इंटरव्यू जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। गुड बाय गाइज़।